आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 28 जून और 28 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स एंड पर्सनैलिटीज़, बुक्स एंड ऑथर, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनसे कि रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड है। क्वेश्चन है, टैक्स इंस्पेक्टर विथआउट बॉर्डर्स की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बोथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ। इससे जो भी टैक्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन होंगे उसमें दोनों देशों को बढ़ोतरी मिलेगी। इससे भारत और भूटान के बीच जो भी संबंध है, साझेदारी है, उसमें प्रोत्साहन मिलेंगे। बात भूटान की हो रही तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान के प्रधानमंत्री वर्तमान में लोटे शेरिंग है और भूटान की नकुलत्रम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए NSDC, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी बोथ। तो अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत दोनों ने मिलकर की है, NSDC और व्हाट्सएप ने मिलकर की है। इस प्रोग्राम के तहत इनका लक्ष्य रहेगा कि जो भी नौजवान हैं उनको डिजिटल शिक्षा दी जाए। इसके अंतर्गत स्कूल, विश्वविद्यालय, इन सभी को डिजिटल सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे जो भी स्टूडेंट स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। बात व्हाट्सएप की हो रही तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। CEO हैं विल कैथार्ट और इसके फाउंडर हैं जैन कोम और एक्टम ब्रायन एक्टन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, किसने विंडो 11 को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी व्हाट्सएप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज 11 को भी हाल ही में लॉन्च किया है, करीब 6 साल बाद इन्होंने यह लॉन्च किया है। 2015 में विंडोज 10 को लॉन्च किया था। बात माइक्रोसॉफ्ट की हो रही तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO और चेयरमैन है सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? रेडमंड, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस दिन था? ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 26 जून, ऑप्शन सी 27 जून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 जून। यह दिन यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। 2021 का थीम था शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग एंड सेव लाइफ। 7 दिसंबर 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। उसका सही जवाब है दिल्ली सरकार। इस योजना के अंतर्गत इसमें उन सभी परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी जिन्होंने अपने सदस्य को कोरोना के वजह से खो दिया। करीब करीब 50,000 रुपये दिए जाएंगे और 2,500 रुपये पर महीने भी दिए जाएंगे। बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर थोड़ी सी मदद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उन सभी लोगों की मदद हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।